नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 की चुनावी जंग, विधानसभा चुनाव में किस पर चढ़ेगा जीत का रंग और अपने प्रदर्शन से कौन करेगा दंग, कौन से मुद्दे सियासत को धार देंगे या फिर कौन सी समस्याएं सियासत की तस्वीर बदलेंगी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास का हाल और क्या है जनता का मूड, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे 403 में। आज बात महाराजगंज की नौतनवा सीट की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुने गए निर्दलीय विधायकों में से एक अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। अमन मणि त्रिपाठी पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। नौतनवा विधानसभा सीट की सियासत आमतौर पर दो परिवारों के बीच घूमती है, पहली अमन मणि परिवार और दूसरा पूर्व विधायक कुंवर कौशल किशोर का परिवार। 2017 विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला था। 2017 विधानसभा चुनाव में अमन मणि त्रिपाठी ने 32,000 वोटों से हराया था। अमन मणि को 79,666 वोट मिले थे, जबकि कुंवर कौशल किशोर सिंह को 47,410 वोट मिले थे। आपको बता दें कि 2012 विधानसभा चुनाव में कुंवर कौशल किशोर विधायक चुने गए थे। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में अमन मणि त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जबकि 2017 में कुंवर कौशल किशोर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। दोनों ही बार समाजवादी पार्टी को सफलता नहीं मिली। सीमावर्ती विधानसभा सीट नौतनवा में मुख्य रूप से कृषि आजीविका का साधन है, अलबत्ता तमाम समस्याएं भी कृषि से जुड़ी हैं। आपकी डंडा है, रोहिन है, महा है, सोनिया नाला है, बघेला है, झरई है, ये इतने नाले हैं। इनमें से एक महा नाला है जो प्रमुखता से पूरा देश देखता है आपके माध्यम से, चैनल के अखबार के माध्यम से, कि ये हमेशा बाढ़ की विभीषिका मचाती है। और जितने भी नदी नाले हैं, इनमें से अधिकांश नदी नालों पर नेपाल में तो बंधे हैं, लेकिन आपके भारतीय सीमा क्षेत्रों में जंगल तक बंधे का निर्माण नहीं हो सका है। क्षेत्र की जनता सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल करती है। अमर मणि जी का काम हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ आज तक वो कोई काम नहीं किए हैं, और विगत 5 सालों में हम लोग उनका कोई मतलब कार्य नहीं दिख पाए हैं। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,49,462 है, जो कि 2022 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र से राजीव पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब सवाल ये है कि मौजूदा विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में क्या विकास कार्य कराए हैं, वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बलबूते वो 2022 में जीत का दम भर रहे हैं, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मौजूदा कार्यकाल में भाई साहब 200 करोड़ रुपए की रोहिन नहर प्रणाली, 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, लोगों को 200 करोड़ रुपए का एक परियोजना देना, जिससे सैकड़ों हेक्टेयर खेत सैकड़ों गांव आज जिसके वजह से बढ़िया सिंचाई कर पाएंगे, वो कार्य प्रगति पर है, कार्य प्रारंभ हो गया है, टेंडर हो गया है, कार्य प्रारंभ हो गया। 200 करोड़ रुपए की लागत से रोहिन पे डैम बनने जा रहा है, जिससे सैकड़ों गाँव जिनको पानी नहीं मिल पाता था, जो ट्रैक्टर जो जनरेटर लगा करके बोरिंग से पानी लेते थे, जिनका फसल को सींचने के लिए इतना पैसा लग जाता था जितनी बिक्री नहीं हो पाती थी, आज मुफ्त पानी उनको मिलेगा, जिससे वो अपनी फसलों को बेहतर तरीके से बेहतर फसलें बो पाएंगे और बेहतर फसलें काट के बेच पाएंगे, जिससे उनको सीधा लाभ होगा। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? 5 साल जो जनता से वादा किया था उसको पूरा किया। हमने कहा था कि आप हमको विधायक बनाइए, हम आपको 18-20 घंटा बिजली देंगे। भाई पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में 5 से 7 घंटा बिजली लगती थी। जनता की सिफारिश जो हमारे पास आती थी, ये आती थी कि शेड्यूल चेंज करा दीजिए, अब दिन में करा दीजिए, अब रात को करा दीजिए। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, 18 से 20 घंटा बिजली हम नौतनवा विधानसभा में दे के दिखाने का काम कर रहे हैं। किसी की ऐसी सिफारिश नहीं आती कि दिन में करा दीजिए रात को, जो 18 घंटा बिजली दे रहा हूँ। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अब हम जीतेंगे तो मेरी पूरी कोशिश है
कि लक्ष्मीपुर को टाउन एरिया बनाना। लक्ष्मीपुर एक बड़ी बाजार है जिसका टाउन एरिया हो जाना अति आवश्यक है। एक बाईपास रोड रह गई है, वो भी स्वीकृत है, जल्दी उस पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और हमारा विचार जो सबसे बड़ा है वो ये है कि इस क्षेत्र में एक औद्योगिक विकास होना चाहिए, औद्योगिक विकास। नेपाल से सटे हमारी विधानसभा है, औद्योगिक विकास। यहाँ के नौजवान जो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, इन जगहों पे या अन्य सऊदीया जाते हैं और जगहों कमाने जाते हैं, जिनके परिवार से उनको मिलने में 5-5 साल लग जाता है, 5-5 साल में वापस आते हैं। मैं चाहता हूँ कि औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ के नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार उनके क्षेत्र में मिले, दिन भर काम करें, शाम को अपने घर जाए। विधायक का तर्क सुना, अब देखिए कि विधायक के तर्कों पर विपक्ष की राय क्या है। क्या वाकई विधायक ने क्षेत्र का विकास किया है? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? उनका कोई काम काज है ही नहीं तो देखना क्या। हाईमैक्स लाइट लगवाते हैं जिसमें अच्छी खासी रकम पाते हैं। कौन सी स्थानीय समस्या का उन्होंने सुधार किया? सड़क हमारी सरकार में बनी, नौतनवा नगर पालिका को 60 करोड़ रुपया हमारे सरकार में आया, उन्होंने क्या किया? जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैंने उस समय काम किया था, मैं कैंसर से पीड़ित था, अस्पताल में था, निकल के आया था। बहुत जनता समझ नहीं पाई, इनकी बहनें रो रही थी तो रोने में लोगों ने वोट दे दिया था। इनकी बहनें रो रही थी, वर्तमान विधायक थी, तो चलिए साहब आंसू भी चल गया, कोई बात नहीं है। हमने काम किया था उसलिए हमको जिता रही जनता कि हमने काम किया था, हमारी सरकार भी चली गई थी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? नया काम हम पहला करेंगे, नौतनवा में 100 सैया का अस्पताल बनवाएंगे। जो हमारा अस्पताल है घनश्याम कौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको 100 सैया में तब्दील कराएंगे। रोहिन हेड का काम पूरा होगा और रोहिन नदी और डांडा का जो कटाव है, इसको कटान को रोकने के लिए पूरी, चाहे पीचिंग करानी पड़े चाहे जो भी कराना पड़े, हर संभव प्रयास रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जनता की राय है कि आखिर वो क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, वो बढ़िया काम भी करते हैं, अच्छे से यहाँ देखभाल भी करते हैं, पूरे मतलब क्षेत्र में घूम टहल कर भी देखते हैं, आते जाते हैं बराबर। हमारे देखने में तो विधायक जी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। वो ऐसे अनगिनत लोग काम गनाने बात अलग की है, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त है। बाढ़ आया था, महा फूट गया था, विधायक जी कभी एक बार भी झांकने नहीं आए। जी भाई साहब, अमरमणि त्रिपाठी के कामकाज बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरी बात नहीं है। विधायक जी के कार्यों से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग चाहते हैं कि यही विधायक बने। पब्लिक के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया, किसानों के लिए कोई काम नहीं किया, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जहाँ तक रही विधायक जी के विकास की बात, तो कहीं दूर दूर तक विकास नजर नहीं आ रहा है। जो विकास की बात करें तो विकास तो विकास का ही देने की गांव-गांव तक सड़क और बिजली दिखाई दे रहा है, लेकिन इस विकास से लोगों का जनजीवन स्तर उठा नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? दावे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उन लोगों को भी पड़ताल करनी चाहिए कि हमारे विधानसभा के लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए किन चीज़ों का विकास करना चाहिए। आप सड़कें बनवा देंगे, घर घर तक बिजली पहुंचा देंगे, उससे लोगों का जीवन थोड़ा अच्छा बेहतर होगा, लेकिन उन्हें मजदूरी के लिए पलायन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, देश के अन्य शहरों में जाना पड़ता है। जो उनके स्तर विधायक स्तर जो भी नींद मिलती है उसको पूरा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं उनके अंदर। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? यहाँ की स्थानीय समस्या जो पहाड़ी नदियों का भरमार है इस तराई क्षेत्र में, उस समस्या से निजात दिलाना प्रमुख व्यवस्था में होनी चाहिए। आज तक विधायक जी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विशेष तौर पर महाव नाले से लोग काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और जितने भी नदी नाले हैं इनमें से अधिकांश नदी नालों पर नेपाल में तो बंधे हैं, लेकिन आपके भारतीय सीमा क्षेत्रों में जंगल तक बंधे का निर्माण नहीं हो सका है। फोर नॉट थ्री में अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।